गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एटर्नल ट्रैवलर। माई नेम इज़ अंशिका। हम लोग निकल चुके हैं हमारे होटल कंट्री इन जो वैष्णो देवी में है, वहाँ से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है जिसमें हमने चाय पी थी और वेजिटेबल सैंडविचेस लिए थे। इस टाइम पे अराउंड 7:15 हो रहे हैं मॉर्निंग के एंड अब हमारी नेक्स्ट जर्नी शुरू हो चुकी है। लेकिन कहाँ के लिए? अगर आपको ये जानना है कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी और आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना होगा। आप गेस कर सकते हैं कमेंट्स में कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। ऑल्सो अगर आप मुझे कोई भी सोशल मीडिया पेज पे, लाइक आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो उसका जो भी लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, अदरवाइज मैं यहाँ स्क्रीन पे भी लिख दूंगी कि एटर्नल ट्रैवलर पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। सो अगर मैं हमारे कल की बात करूँ तो कल हम लोग सुबह पहुँचे थे अराउंड 6:15 तक एंड उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम दर्शन के लिए निकल गए थे। दर्शन का जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, बहुत ही सुंदर दर्शन थे हमारे एंड इतना पीस मिलता है ना इस जगह पर आके। एंड यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग वापस होटल पहुँचे थे अराउंड 3 or 4 o'clock तक हम लोग होटल पहुँच गए थे। हमने 1 hour रेस्ट करने के बाद हम लोग मार्केट गए थे, जो व्लॉग नहीं किया बिकॉज बहुत ज़्यादा टायर्ड थे हम लोग। मार्केट जाके थोड़ा बहुत सामान वगैरह लिया, सामान लेने के बाद वी केम बैक होटल एंड वी डिनर करने के बाद वी जस्ट वेंट टू स्लीप। नेक्स्ट डे हम लोग उठे, फ्रेश हुए एंड रेस्ट करने के बाद ऑब्वियसली यू फील लिटिल बेटर एंड आपको आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। तो आज हमारे अंदर भी वही एनर्जी है नए डे को स्टार्ट करने की। अब मैं होटल की बात करूँ, रिजॉर्ट की बात करूँ तो रिजॉर्ट ऑब्वियसली लग्जरियस है, कंट्री इन है, तो बहुत ही अच्छा स्टे था हमारा। इसका खाना भी बहुत अच्छा था एंड कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा था, ओवरऑल अच्छा स्टे था। इन केस आपने मेरी लास्ट व्लॉग्स मिस कर दिए हैं, लास्ट वीडियोस मिस कर दी हैं, तो उनके जो भी लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू गो एंड चेक दैट आउट। टिल देन तब तक हम लोग हमारी दूसरी डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं, स्टे ट्यून्ड। यह है बन टोल प्लाज़ा जो यहाँ से सीधा जम्मू जाता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा टोल कितना लगता है। अभी तो ये फास्ट टैग से कटा है तो उसके बाद हम फास्ट टैग पे चेक करके मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कि कितना अमाउंट हमारा यहाँ पे कटा है।
गाइस तो अभी हम लोग रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए और यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस जो है वो 98.93 रुपीज़ पर लीटर है। तो हम तो करवा रहे हैं टैंक फुल क्योंकि 10 आवर्स की जर्नी और है। वैसे एक सीक्रेट बताऊँ, अगर आपको गूगल मैप्स 11 आवर्स दिखा रहा है तो अगर मेरे पापा ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें से -1 आप आराम से कर सकते हो। मतलब अगर आपकी 11 आवर्स की जर्नी है ना, आप वो 10 आवर्स में बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना ट्रैफिक है, बारिश है, कुछ भी है, आराम से पूरा हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड टोल है जम्मू हाईवे पे और ये है ठंडीकुई टोल प्लाजा। ये भी आई गेस फास्ट टैग से कटेगा तो उसका भी जो प्राइस होगा मैं नीचे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ये जो आप स्टॉल्स देख रहे हो यहाँ पे राम लड्डू, बेसिकली राम लड्डू जो होते हैं जिनको हम मूंग दाल के लड्डू भी बोलते हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं। एंड लखनपुर इज फेमस फॉर दीज लड्डूज और लोग यहाँ पे अगर बस से आते हैं या फिर खुद की गाड़ी से आते हैं तो वो यहाँ रुक के स्पेशली यहाँ के राम लड्डू खाते हैं। वो मूली और ग्रीन चटनी के साथ मिलते हैं। सो ये लखनपुर जो है ये एक बॉर्डर है जो पंजाब और जम्मू को कनेक्ट करता है। जब आप पंजाब से आते हो तो आपके रास्ते में लखनपुर पड़ता है, लखनपुर से ही आपका जम्मू का रास्ता शुरू हो जाता है, जम्मू श्रीनगर का। एंड हेयर इज द टोल। आई गेस यहाँ पे आपको कोई भी कोविड रिपोर्ट या कुछ भी चेक कराने की या कोई फॉर्म की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली आपको आते टाइम, इस बारी आते टाइम फॉर्म भी भरा था हमने, जो आई गेस पापा ने रिकॉर्ड किया था, मतलब बताया था। एंड यहाँ पे हमारी पर्ची कट रही है। आई डोंट नो कितना अमाउंट होगा यहाँ पे, 90। यहाँ पे फास्ट टैग है कि फास्ट टैग ने इतनी इजी कर दी है लाइफ, लाइक कॉन्टैक्टलेस, कैशलेस। एंड आपको चेंज या कैश रखने की ज़रूरत ही नहीं है फास्ट टैग से। आपका बस विद इन फ्यू सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये बिल्कुल डिटेक्ट कर लेता है और आपके ऑटोमेटिकली फास्टैग से पैसे कट जाते हैं। तो आपका येस एग्जैक्टली वॉलेट से कट जाते हैं। ऑल्सो आपको कोई भी, मतलब आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये आपका टाइम बचाता है। सो नाउ विल मीट यू
यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप आगे जो रोड आ रही है, अगर आप लेफ्ट लेंगे तो पठानकोट आ जाएगा, अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो अमृतसर आएगा। तो यहाँ पे दो रास्ते कट होते हैं, एंड जहाँ से आगे इस पठानकोट जाते हैं वहीं से ही जलंधर का भी रास्ता है, क्योंकि दिल्ली का रूट वही है। हम लोग यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं, पठानकोट वाले रास्ते पे जा रहे हैं। वो अभी राउंडअबाउट ये है जहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, सीधा वो देख सकते हो वो आपका अमृतसर। यहाँ पे भी अमृतसर हाईवे का एक बहुत अच्छा सा रोड बना हुआ है जिसपे मल्टीपल टोल्स हैं और आप बहुत जल्दी अमृतसर पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा रोड है क्योंकि यहाँ बीच में ट्रक आ गया, बट वो जो आपको ग्रीन बोर्ड दिख रहा है वही से अमृतसर का हाईवे जाता है और यहाँ से पठानकोट और जलंधर का रास्ता। ओके, तो अभी हम देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तब तक आप कमेंट करते रहिए कि गेस करते रहिए कमेंट में कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, एंड स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट हिंट आपको देंगे हम 10 मिनट के बाद। कैन यू गाइज गेस कि हम कहाँ जा रहे हैं। इफ़ यू गेस्ड इट देन प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट